गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर निशा राघव। आज हम पढ़ेंगे भाषा, पाठ एक भाषा। परिभाषा क्या है भाषा? भाषा किसे कहते हैं? देखिए, वह साधन जिसके द्वारा अपने मन के आए विचार को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जो भी हमारे मन में आता है, जैसे आप बच्चे हो, अपने मम्मी से क्या कहते हो? जब भूख लगती कहते हैं मम्मी मुझे खाना दो, तो आपने अपने मन के विचार जो आए वही तो हमने बोला ना, अपनी मम्मी को आपने बोला कि मुझे खाना दो, तो आपने क्या, आपके मन में जो विचार आए, तो भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के आए हुए विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं। कितने होते हैं? तीन रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो भाषा हम बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा, जो आपने बोलकर प्रकट किया। लिखित भाषा, जो हम अपने मन के विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जो हम संकेत देकर, इशारा करके जो हम अपनी बात को, मन के विचार को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। तो ठीक है, आपको समझ में आया भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं? ठीक है, थैंक यू।